अभी तो भैंस हम थोड़ी करना यार, तो वो अपना अभी तो नो नहीं देना ना, तो क्यों दे रहे हम भैंस कर देंगे उसको। अबे हर बॉल पे भैंस कर रहे हैं कप्तान, चले भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो गाइस आज हम लोग नॉर्थ कराची के एक बहुत ही मशहूर ग्राउंड सेक्टर 9 में आए, जो मशहूर है कि यहाँ पे बॉलरों का कब्रिस्तान है, क्योंकि यहाँ पे बॉलर इतना पिटता है आपकी सोच है। अच्छी क्रिकेट होने वाली है, 5,000 रुपये एंट्री पे यहाँ पे ट्रायंगुलर है, एंड हमने यहाँ पे साइड डाली है क्योंकि हम लोग ही करवा रहे हैं, हमारे जो कप्तान है उन्होंने यहाँ पे साइड डाली थी। तो हमारे साथ पूरे नॉर्थ कराची का टैलेंट है, सारे यंग लड़के, एंड अपोजिट टीम उमर भाई की और एक और पत्नी कहाँ से आई है, वो भी अच्छी साइड है। तो लेट्स सी, पहला मैच है हमारा 4 या 5 ओवर की क्रिकेट होगी, जैसे भी होगा हम बताएंगे। हमारी पहले बैटिंग है, मैं और उस्मान जा रहे हैं, कोशिश ये रही कि 5 ओवर में यहाँ पे 100 रन मारे, क्योंकि इससे कम यहाँ बचत है नहीं, 25 या 20 रन का एवरेज देना पड़ेगा। बाकी लेट्स सी क्या भाई, कड़कती गर्मी हो गई आज, बादल इतने सारे हैं लेकिन आज खुल गए, घर से निकले थे तो सही मौसम था बिल्कुल। उस्मान को तो वैसे चक्कर आए थे गर्मी में, जो तो बताओ उस्मान इस सेक्टर में कितने साल बाद खेल रहे हैं। मैं तो यार हमको 2-3 साल बाद आए यहाँ पे, मेरे एरिया का ही ग्राउंड है, लेकिन हम यहाँ क्रिकेट आबाद कर रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बात कर रहे हैं, आपको क्या ठेका मिला है यहाँ की क्रिकेट आबाद करने का? करेंगे खुदी आबाद हो जाएगा, अपनी तो आबाद हो जाए, बर्बाद हो जाए, आबाद होने वाली है। हाँ जा रहा हूँ। सो गाइस, वीडियो को आगे मजीद बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप घर बैठ के आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ K1 गेम। इसके अलावा गाइस इसमें 300 से भी ज्यादा गेम्स दी गई हैं जिसकी मदद से घर बैठ के आप अर्निंग कर सकते हैं गेम खेल के। इसके अलावा अगर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हैं तो आपको 1600 तक का बोनस देखने को मिलेगा। आपके लिंक से फर्स्ट बंदा ज्वाइन करता है तो आपको 150% तक का बोनस मिलेगा, एंड सेकंड और थर्ड बंदा ज्वाइन करता है तो 180% तक का बोनस देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके अंदर अगर आप लॉगिन होते हैं तो आपको 20% तक का बोनस आपको देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आप जीमेल अटैच करेंगे तो भी आपको 20% का बोनस देखने को मिलेगा। सो गाइज इसके अंदर अगर आप 300 तक का बोनस डिपॉजिट करते हैं तो आपको स्पिन देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आप 3,000 रुपए तक का बोनस विन कर सकते हो। और अगर आप इनका टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करते हो तो वहां से भी आपको बोनस के हवाले से अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो गाइस यहाँ पर आप 30 डेज का प्लान भी परचेज कर सकते हैं जिसकी मदद से आपको डेली के हिसाब से बोनसेस देखने को मिलेंगे, और इसके अंदर आपको चेक इन नाउ के भी बोनसेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसकी विड्रॉ की बात की जाए तो इसमें इजी पैसा, जैज कैश भी आपको देखने को मिलेंगे। और गाइस मजे की बात यह कि विड्रॉ और डिपॉजिट का भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इनकी जो कस्टमर केयर है वो 24 घंटे ऑन रहती है और आपको इसके हवाले से मजीद अपडेट भी देती रहेगी। मत पानी लिया 1 लीटर, मैंने तो जिंदगी में कभी इतनी लंबी स्क्रिप्ट नहीं बोली है। इतना तो मैं अगर इंग्लिश के पेपर में कुछ कर लेता ना मैट्रिक में, तो मैं पता नहीं 1 डिवीजन 2 डिवीजन से पास हो जाता यार। चलें गाइस यहाँ पे ट्रायंगुलर का पहला मैच स्टार्ट हो गया हमारा, और मान और अदील आए हैं बैटिंग पे, आबिद मलिंगा नाम से कोई बॉलर है। छोटा ग्राउंड है, ऑलमोस्ट बहुत छोटी सी बाउंड्री है लेग स्टंप की, तो लेफ्ट की और राइट की फिर भी मुनासिब बाउंड्री है, लेकिन ये कि क्रिकेट अच्छी होगी और बाउंड्रीज आई होप के ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगी क्योंकि ग्राउंड थोड़ा छोटा है। चलें गाइस पहला बॉल करेंगे आबिद पहले ओवर का, उस्मान लेफ्टी है स्ट्राइक पे, और पहली बॉल पे ही उस्मान ने स्ट्राइक ली थी, स्टार्ट लिया है छक्के से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेफ्टी का लेग स्टंप काफ़ी छोटा है यहाँ पे और एज भी लगता है तो 6 हो जाएगा। स्टार्ट बहुत अच्छा ले लिया उस्मान ने यहाँ पे, और रन्स यहाँ पे लगते हैं, बनते भी हैं, चेस भी होते हैं। दूसरा बॉल और एक और कैच देखते हैं ये होता है, और जी हाँ उस्मान हो गए कैच, फ्लिक किया था पूरा, शॉट नहीं मारा था यहाँ पे उस्मान ने, लेग स्टंप छोटा है, उस्मान ने सोचा कि मैं फ्लिक करूँगा 6 हो जाएगा, लेकिन कैच हो गया उस्मान का। और अब अहमद बेग आ रहे हैं वहाँ से बैटिंग पे, अब अहमद 5 ओवर खेलना पूरे खड़े हो गए, पूरे 5 ओवर हैं, 2 बॉल हुई हैं सिर्फ। तीसरा बॉल करेंगे अहमद को, 6 रन है 2 बॉलों पे। तीसरा बॉल और अच्छा बॉल था, तेज बॉल था, बॉडी पे किया था, सिंगल ही बनेगा ये, फाइन लेग पे बॉल गया है, और इस तरह अदील आ गए अब स्ट्राइक पे। बॉलिंग अभी तक जो की है आबिद ने वो अच्छी बॉलिंग की है, तीनों बॉलें जगह पे की, उस्मान ने अच्छा छक्का मार दिया था इनको पहली बॉल पे। चौथा बॉल करेंगे अदील को, और पहला शॉट अदील की बैट से, पहला बॉल अदील ने फेस किया था और छक्का मारा है उस पर। 4 बॉलों पे हो गए अब 13 रन। स्टार्ट अदील ने अपना बहुत अच्छा किया है छक्के से, 2 छक्के इस ओवर में आ चुके हैं, 13 रन हो चुके हैं 4 बॉलों पे। 5वां बॉल आबिद का देखते हैं, और एक और शॉट लगा है, ये भी चौका हो जाएगा, पीछे थोड़ा बॉल था
टप्पा मारा था आबिद ने और इसको फाइन लेग पे प्लेस किया, चौका हो गया है। तो इस तरह 17 रन आ गए, रन अच्छे आ गए। चलें जी लास्ट बॉल देखते हैं पहले ओवर का। और ये शॉट मिस हो गया आदिल से, चौका होगा, सिंगल बना है, डबल बन गया भाई, डबल बन गया यहाँ पे। और 19 रन आ गए हैं पहले ओवर में। तो गाइस 19 रन है पहले ओवर में एंड इसी तरीके से रन करने पड़ेंगे, किसी ओवर में ज़्यादा भी लेने पड़ेंगे क्योंकि 22 और 23 यहाँ पे एवरेज है। हाँ हमें 5 ओवर में 100 करने। चलें भाई दूसरा ओवर करने के लिए यहाँ पे सलमान सल्लू आए और पहले ओवर में थे 19 रन। सलमान करता सही दिमाग से बोले, अहमद हैं स्ट्राइक पे, बाउंड्री कोई नहीं लगी अहमद के बैट से अभी तक। और देखते हैं कि दूसरा ओवर कैसे स्टार्ट होता है। और शॉट लगा है ये 6 हुआ है ना, सही है 6 हो गया भाई ये, क्योंकि वहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन है फुटपाथ की और उसकी कि दिखता नहीं है बॉल बाहर गिरा या पहले गिरा है, तो बाहर गिरा था 6 हुआ है। बहुत अच्छा अहमद, अहमद ने दूसरे ओवर का स्टार्ट भी छक्के से ले लिया यहाँ पे। और इस ओवर में मुझे लग रहा है कि अहमद कोई 25-30 रन ले सकते हैं। और दूसरा शॉट भी लगा है ये और ये चौका हुआ है भाई, बहुत ही अच्छा शॉट, हार्ड बॉल वाला शॉट मारा उस अहमद ने। तो 2 बॉलों पे हो गए यहाँ पे 10 रन, 2 बॉल है 10 रन हो चुके हैं। और अहमद अब तीसरा बॉल फेस करेंगे दूसरे ओवर का, तीसरा बॉल था ये और लेट्स सी कि सिंगल बनता है या डबल बनता है। सिंगल ही बना है, थ्रो हो चुकी थी और यहाँ पे रन का रिस्क नहीं लिया दूसरे। लेट्स सी कि कितनी बाउंड्रीज इसमें आती हैं, कितने रन इसमें आते हैं। चौथा बॉल और ये हाफ शॉट लगा था आदिल का, सिंगल ही बना है यहाँ पे। बॉलर ने अभी तक जो है वो मुनासिब बॉलिंग कर दी है यहाँ पे, एक छक्का एक चौका जबकि इनको लगा था। 12 रन आ चुके हैं 4 बॉलों पे। पांचवा बॉल और ये भी तेज बॉल था, थोड़ा फाइन लेग पे बॉल गया है, सिंगल ही बना है ये भी। तो 3 बॉलें जो हैं वो बाउंड्रीज के बाद बॉलर ने बहुत अच्छी कर दी है सलमान सल्लू। इस ग्राउंड में सिंगल मुश्किल ही बनता है। लास्ट बॉल और ये आदिल की जानिब से होगा, बहुत ही बड़ा छक्का, ग्राउंड के बाहर गया बॉल, अच्छा बॉल था ये लेकिन शॉट अच्छा मारा आदिल ने। कोई लकी नंबर है। हाँ 38 हो गए अहमद, इतने ही करने, अगर किसी ओवर में ज़्यादा भी आए तो और अच्छा होगा। गाइस 2 ओवर में हो गए यहाँ पे 38 रन, 38 रन हो गए और 19 का एवरेज चल रहा है दोनों ओवर्स में। और एक बार फिर से आबिद जो हैं वो आए हैं तीसरा ओवर करने के लिए। लेट्स सी कि ये ओवर कैसा करते हैं ये। और शॉट लगा है, एज लगा है, मेरे ख्याल चौका हो जाएगा ये और ये 4 हो गया भाई। बाउंड्रीज आने से मकसद है इसमें अहमद का, ये पूरा पूरा इरादा है कि इस ओवर में कम से कम ही 25 रन लें और 60-65 तक रन करते हैं 3 ओवर में। दूसरा बॉल करेंगे आप और अच्छा बॉल था ये अच्छा बॉल था और पैगी ने वहाँ पे फील्ड किया बॉल को, चौका होने से रोका है। अब आदिल को करेंगे तीसरा बॉल अपना और ये पूरी कोशिश की थी बॉलर ने मुझे मारने की जबकि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था इनको। अहमद ने ट्राई किया था कि रन बन जाए, सही सही है अहमद, रनआउट पे विकेट नहीं देना। और अब तीसरा बॉल करेंगे आबिद ये शॉट लगा है, ये देखना पड़ेगा कैच होता है, जी हाँ कैच हो गया ये, उमर भाई ने वहाँ पे कैच किया अहमद का, फुल टॉस को पूरा बेनिफिट नहीं ले सके अहमद। सिबगत आए हैं बैटिंग करने के लिए और सिबगत के पाँव में थोड़ी चोट लगी हुई है तो शराज उनकी रनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। 3 बॉलों पे हैं 7 रन, सिबगत को देखते हैं कि इंजरी में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। और शॉट लगा है ये, चौका होगा, सिंगल ही बना है भाई। नासिर ने वहाँ पर अच्छी फील्ड की है और आदिल आ गए हैं दोबारा से स्ट्राइक पे। 4 आठ हैं, 4 बॉलों पे हैं 8 रन, इस ओवर में रन नहीं बने, सिर्फ एक चौका लगा है अभी तक 4 बॉलों पे। और आदिल को यहाँ पे एक बाउंड्री एटलीस्ट लेनी पड़ेगी 2 बॉलों पे क्योंकि स्कोर थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। अब
आबिद स्टार्ट पे अपने तैयार हैं। अदील पांचवा बॉल फेस करेंगे इनके ओवर का, और अच्छा बॉल फंबल हुआ है कीपर से, और सिंगल तो इसको बन गया। लेट्स सी कि दूसरा रन बनता है कि नहीं बनता है। एक ही रन बनेगा भाई, डॉट बॉल था। पांच बॉल हो चुकी हैं, 9 रन हैं। तीसरा ओवर एंड होगा ये लास्ट बॉल के बाद। और शॉट मारा ये, और ये 6 हो गया मेरे ख्याल से, उमर भाई के हाथ से लग के और बॉल बाउंड्री के बाहर चला गया। 38 और 15 कितना होते हैं? 53। चलें गाइस, 3 ओवर यहाँ पे हो चुके हैं, चौथा ओवर स्टार्ट हो रहा है, और जो मेन बॉलर हैं इनको बॉल कर चुके हैं अब। और ये 2 ओवर्स हैं जिसमें रन लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि इस ग्राउंड के हिसाब से 53 रन हमारे 3 ओवर में कम है। चौथा ओवर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, और पहला छक्का आदिल के बैट से चौथे ओवर में आया। ये लेग ब्रेक टाइप के ये बॉलर हैं। दूसरा बॉल चौथे ओवर का, और ये अच्छा बॉल था, ये अच्छा बॉल था, टो पे बॉल किया था बिल्कुल, थोड़ा तेज भी था। तीसरा बॉल देखते हैं, 59 टोटल हो चुका है, और डॉट बॉल होगा ये भी, डॉट बॉल हुआ ये भी, थोड़े से उतर गए थे दिल। 3 बॉल मजीद रहती हैं इस ओवर की, चौथा बॉल करेंगे बॉलर, और ये भी मिल गया था बॉल अदील को, लेकिन सिंगल ही बना इस पे भी, थोड़ा रेंज से दूर हो गया था। सिबगत के पास आई है स्ट्राइक, दो बॉलें सिबगत फेस करेंगे इस ओवर की। अब सिबगत 60 हो चुके हैं टोटल अभी तक, 8 बॉल रहती हैं इनिंग की, और पहला छक्का ये लग गया सिबगत का। फुल टॉस पे दोनों छक्के लगे इनको अभी तक। पहला अदील ने लेग स्टंप पे मारा था, सिबगत ने मारा है अब, तो 66 हो चुके हैं टोटल यहाँ पे। एक छक्का सिबगत और लेते हैं तो हम 70s में इन हो जाएंगे। लास्ट बॉल चौथे ओवर का, और एक और शॉट तो लगा है लेकिन खड़ा हो गया बॉल, और कैच कर लिया वहाँ पे पैगी ने सिबगत का। तो सिबगत को अब जाना होगा, और लास्ट ओवर अभी भी रहता है, और जिनका होम ग्राउंड है जैद वो आ रहे हैं बैटिंग पे। 66 हो गया हर हालत में भाई, 24 रन बनाने पड़ेंगे, 90 समथिंग करना पड़ेंगे, वरना 80 तो नहीं बचता है यहाँ। अबे अहमद उसका बॉल ही नहीं पहुँच के दे रहा, स्लो के लेके ज़्यादा स्लो करे, मैं इधर मार के चौका ले ले, जरूरी थोड़ी सामने मार। मैंने ट्राई की थी ना तीसरा, वही तो निकल गया ना, वो तो आराम से वेट कर। अब भाई चलो चलो सही है, इसमें भी 2-3 छक्के मिल जाएंगे यार। इनिंग का लास्ट ओवर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, पांचवा ओवर, और फुल टॉस था ये भी मिस कर गया अदील, इसको अवेल करना था यहाँ पे। सैयद के पास 5 बॉलें हैं इनिंग की, दूसरा बॉल फेस करेंगे लास्ट ओवर का, और पहला छक्का सैयद का लगा है। जैसा मैंने बताया था इनका होम ग्राउंड है, और इनसे ज़्यादा बेहतर यहाँ पे मैंने नहीं देखा किसी को खेलते हुए। 2 बॉलें हो चुकी हैं, 7 रन हो चुके हैं इस ओवर में। तीसरा बॉल फेस करेंगे जैद, इनको आइडिया है भरपूर इस ग्राउंड का, और एक और शॉट लगा है ये फाइन लेग पे गया है बॉल, सिंगल ही बनेगा। 3 बॉलों पे हो गए हैं 8 रन, और 3 बॉलें मजीद इस ओवर की भी और इनिंग की रहती हैं। वंस अगेन यू आर लेट, किस वजह से लेट हूँ? हाँ सही है, चल सही है ना, अभी है कि इनिंग बाकी है। चलें भाई, चौथा बॉल लास्ट ओवर का, और ये शॉट लगा है अदील का, 6 हो गया भाई, बहुत अच्छे अदील। इसी तरह 2 बॉलें रहती हैं, और 2 बॉलों पे अगर 2 छक्के और लग जाते हैं तो हम करीब करीब 90 रन के खड़े हुए होंगे। पांचवा बॉल करेंगे बॉलर, और एक और शॉट लगा है सेम जगह पे, और ये भी सेम छक्का हुआ है, बिल्कुल ऐसा लगा कि रिपीट टेलीकास्ट चला है यहाँ पे। नो बॉल है क्या? नो बॉल है ये? नो बॉल है, चलो भाई 4 बॉलों पे आ गए हैं 21 रन्स। तो ये ओवर जो है सीम्स लाइक कि हमारा मैच पूरा हो रहा है अब यहाँ पे, टारगेट पूरा हो रहा है, सॉरी 21 रन्स हो चुके हैं
दो बॉल स्टिल लेफ्ट हैं इस ओवर की। और एक और शॉट लगा, ये चार हुआ है, चौका हुआ है भाई। तो 25 रन आ गए हैं इस ओवर में, और 24 से 25 रन का मोटिव था इस ओवर में जो कि पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी एक बॉल रहता है इस ओवर का। सही है, एक मिल जाएगी अदील बाउंड्री, शाबाश। एक बाउंड्री अगर अदील ले लेते हैं तो 30s में हम आ जाएंगे इस ओवर में। लास्ट बॉल इस इनिंग का, और सामने मारने गए थे, एज लगा है फाइन लेग पे, चौका हो गया है भाई, ये मिस फील्ड हुआ था और चौका हो गया है। नहीं हुआ है, हो गया, चार हो गया भाई। तो 29 रन इस ओवर में आ चुके हैं। तो गाइस 96 रन है, एंड वन बचता है ये। यार यहाँ बॉलिंग अच्छी करो तो बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, भले जितना भी छोटा ग्राउंड हो आपने बॉलिंग अच्छी करी अगर तो बचता है, लेकिन अगर गंदी बॉले सामने बॉले करोगे तो फिर तो बहुत मुश्किल है, यहाँ भी नहीं बचेगा फिर तो। खैर है, लेकिन ये है कि थोड़े से 15-20 रन शॉर्ट है, 100 तो हमारे माइंड में था, 96 तक पहुँच गए। ऊपर से दो बार अच्छे हो जाएंगे तो फिर हमारे बड़े तो मशहूर है रन देने के लिए, पता नहीं क्या पता कह रहा था आज, और ये मैच जिता दें इंशाल्लाह। प्रैक्टिस तो भरपूर चल रही है वहाँ पे। चले गाइस, सेकंड इनिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, 96 का विन है, और रेहान तनोली आए हैं बैटिंग पे, डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेले हुए हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, टेप बॉल में इन रहते हैं। फैसल पहला ओवर कर रहे हैं यहाँ से, और ये हाई हो गया बॉल, लेट्स सी 6 होता है या अंदर ही गिरता है बॉल। 6 हुआ है भाई, काफ़ी बड़ा छक्का है, घर पर गिरा है बॉल। स्टार्ट इस इनिंग का भी छक्के से हुआ है, हमारे इनिंग का भी छक्के से हुआ था, और दोनों की तरफ से लेफ्टी आए थे ओपन करने के लिए। नहीं है ना, नो बॉल तो नहीं है ना अहमद, नो नहीं है भाई, मिस जज हुआ था अंपायर से। तो पहली बॉल पे छक्का लगा है, स्टार्ट हुआ है छक्के से, एक बॉल 6 रन हो चुके हैं, और रनिंग एंड पे नासिर है हमारी जानब से भी, आपको कभी कभी दिखते हैं टीम में। दूसरा बॉल फेस करेंगे रेहान, और रिकॉर्ड छक्का भाई, ये भी घर पे गया बॉल। तो दो बॉलों पे दो बैक टू बैक छक्के लग चुके हैं यहाँ पे फैसल को। तीसरा बॉल करेंगे फैसल, और तीसरा छक्का लगा है भाई, ये भी काफ़ी बड़ा छक्का है, स्लो रन किया था ऑफ स्टंप पे और पूरा उसका एडवांटेज लिया यहाँ पे रेहान ने। अहमद बोल रहे हैं भाई बॉल नहीं पहुँच रहा, कीपर खड़े हुए हैं। चौथा बॉल देखते हैं फैसल का, और एक और छक्का होगा या 6 हो गया भाई, ये भी दीवार पर लगा है, फहद थे वहाँ पे फील्डर, कैच हो सकता था, जज नहीं हुआ शायद फहद से, जिस तरह के बैटमैन का बॉल आ रहा है कि ये आउट होंगे, एरिया खुला हुआ है पूरा। पांचवा बॉल, और ये अच्छा बॉल था, ये बॉल अच्छा था, ये बॉल यहाँ पे बचेगा, थोड़ा सा ऑफ स्टंप पे, थोड़ा सा पीछे गिरा हुआ बॉल, और फैसल अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लास्ट बॉल बचाएं एटलीस्ट। और बोल्ड कर दिया यहाँ पे फैसल ने, फैसल ने यहाँ पे शो किया अपना एक्सपीरियंस, वहाँ से कप्तान थोड़ा गुस्सा कर रहे हैं कि ये बिला वजह के तुमने 4 छक्के खाए हैं, जगह पे बॉल करोगे तो कभी भी नहीं लगेंगे रन। बोला था ना कि क्रिकेट अच्छी है तो यहाँ 100 रन भी कम पड़ेंगे, वही हो रहा है। 24 रन लग चुके हैं, 96 में से 24 निकालो तो पीछे कितने बचते, 72 चार ओवर में 72 चाहिए, मतलब कि अब 18 का एवरेज अभी भी है, 17 का एवरेज अभी भी है, वहाँ मीटिंग चल रही है, लेट्स सी क्या होता है। चले भाई, दूसरा ओवर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे उमर आए हैं बॉल करने के लिए, और नासिर हैं स्ट्राइक पे, रन्स रहते हैं काफ़ी अभी भी, 72 रन्स रहते हैं 4 ओवर में। उमर भाई यूएस में क्रिकेट स्टार्ट हो चुकी है भाई, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? उमर भाई बोल रहे हैं बस जाने वाले हैं। दूसरे ओवर का यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, वेटिंग पे हैं बॉलर, पहला बॉल उमर करेंगे, और वाइड हुआ ये, ऑफ स्टंप की काफ़ी रेंज से बाहर था ये बॉल, वाइड बॉल दिया अंपायर ने। चले भाई, बगैर बॉल के यहाँ पे एक रन आ चुका है, और उमर ने वाइड बॉल किया था, उमर अपना पहला ऑफिशियल बॉल करेंगे यहाँ पे, और शॉट लगा है भाई उमर को, सामने बॉल किया था बिल्कुल,
काफ़ी बड़ा छक्का लगा है, नासिर ने मारा छक्का। तो एक बॉल पे आ गए हैं यहाँ पे 7 रन्स, बहुत ही जिसको बोलते हैं कि मुंह पे बॉल किया था और डिजर्व करता था ये बॉल छक्का। दूसरा बॉल करेंगे उमर अब, और ये बॉल एक्सीलेंट बॉल, शाबाश, ये बॉल अच्छा है, वाइड बॉल दिया अंपायर ने यहाँ से। चले भाई, यहाँ पे वाइड दे दिए उमर का बॉल, और उस्मान वहाँ पे आए हैं समझाने के लिए उमर को, लेट्स सी किस चीज़ का कितना फ़ायदा होता है उमर को। एक बॉल 8 रन, और दूसरा बॉल करेंगे उमर अब दूसरे ओवर का। एक और वाइड बॉल दिया है अंपायर ने, सर के ऊपर होगा तो सर वाली तो नहीं दी ना आपने, कौन सी सर की तो नहीं दी ना आपने, नहीं नहीं हाइट की वाइड आपने किसी की दी है, ऑफ स्टंप की एक अंपायर ने ऑफ स्टंप की दी है, एक अंपायर ने हाइट की वाइड दी है, तो यहाँ पे कुछ पता नहीं चल पा रहा अंपायर की जानिब से। 9 रन बहरहाल आ चुके हैं एक बॉल पे, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता हुआ दिख रहा है ये ओवर, क्योंकि पहली बॉल पे लगा था छक्का, उसके बाद फिर 3 वाइड्स। दूसरा बॉल करेंगे उमर, और एक और शॉट ये लगा है लेग स्टंप पे, और फैसल की जानिब से स्पाइडरमैन वाली फील्डिंग भाई, एक्सेप्शनल फील्डिंग। 10 रन आ चुके हैं 2 बॉलों पे, हर बॉल पे बहस कर रहे हैं कप्तान। चलें भाई, वहां पे थोड़ी सी मेरे ख्याल से इंजरी हो गई है उमर को, एक्टिंग एक्टिंग। इसी कितनी हो गई फराज से मारते रे यार, चक्के क्यों मार रहे हैं, चला डू 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 चार कीपर को बता दो, कीपर जोफान बता दो मेरे को, कीपर चेंज है उमर को इंजरी हुई है यहाँ पे। 2 बॉलों पे 10 रन हो चुके हैं, और उमर भाई आए हैं स्ट्राइक पे। अब उमर को हो गई थी इंजरी, और उनकी जो रिमेनिंग 4 बॉल हैं वो अहमद करेंगे अब। तीसरा बॉल देखते हैं अहमद उमर की ओर का कैसा करते हैं, और ये पीछे गया है बॉल, सिंगल ही बनेगा, दिल के हाथ में गया बॉल। उस्मान यहाँ पे कीपिंग पे आ गए, अहमद ने पहला बॉल किया था उमर के ओवर का और सिंगल बना है उस पर। नासिर आ गए हैं बैक ऑन स्ट्राइक, चौथा बॉल फेस करेंगे इस ओवर का जो कि अहमद कर रहे हैं। 11 रन आ चुके हैं 3 बॉलों पे। फील्डिंग यहाँ पे सेट हो रही है थोड़ी, चौथा बॉल और ये कैच होना चाहिए, और ये शिराज ने सेफली कैच कर लिया है नासिर का। यहाँ पे अच्छा बॉल था अहमद की जानिब से, लेग स्टंप पे नहीं मारा, इसको सामने मारने चले गए थे नासिर। बॉलें करानी चाहिए 4 बॉलें हो चुकी हैं, 11 रन हैं, और पैक ही आए हैं बैटिंग पे। अहमद 2 बॉलें करेंगे मजीद, उमर भाई मारो यार, हम तो चाहते हैं कुछ नया आए, कुछ नया आए वीडियो में। 5वां बॉल अहमद का, और ये शॉट लगा है गैप में गया, चौका होगा। अहमद ने मना कर दिया तो उस्मान को, उस्मान ने बोला था कि वहाँ पे फील्डर ले लो। मेरी बात सुनो, वहाँ कौन मार रहा है, बीच में जाएगा, अगर जाएगा तो देख लो, मां की मर्जी है भाई, तू सही है खड़ा रहे, अच्छा तू वैसे भी सही है। लास्ट बॉल देखते हैं भाई, और ये 6 हो गया, 4 हुआ है बल्कि, और ये
वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम छोटे छोटे फैन यार, अंकल बोल दिया मुझे आपने यार। भाई 2 ओवर 43 हो गए, अहमद ने कोशिश करी बहुत लेकिन हमारे फील्डर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे। अब देखते हैं कौन आता है, कोई नया आ रहा है, ये अहमद का कोई दोस्त है अहमद ने बुलाया है, हार्ड बॉल का बॉलर है शायद। अब देखते हैं सरप्राइज पैकेज कैसा निकलता है इनका, यहाँ डेब्यू कैसा होता है। भाई 2 ओवर यहाँ पे हो चुके हैं, 43 रन हैं और अहमद के कोई दोस्त हैं, मुजम्मिल नाम है इनका, बॉलिंग पे आए हैं 3rd ओवर करने के लिए। उमर भाई हैं स्ट्राइक पे और बहुत ही नॉर्मल बॉल किया था इन्होंने, बहुत ही कैजुअल बॉल था, फुल टॉस था, बहुत ही स्लो भी नहीं मैं बोलूँगा, एवरेज बॉल था ये। और इनको अब थोड़ा काम करना पड़ेगा 5 बॉलों पे। पहली बॉल पे लगा इनको बहुत ही शानदार छक्का और ये बॉल अच्छा था, पहला वाला स्लो रन मुझे भी ऐसा लगा कि स्लो रन था लेकिन वो फुल टॉस हो गया। खैर 2 बॉलों पे हो चुके हैं 7 रन और बैकिंग यहाँ पे जंप ले रहे हैं, थोड़ी बॉडी खोल रहे हैं अपनी। यहाँ पे 3rd बॉल फेस करेंगे 3rd ओवर का, 7 रन आ चुके हैं 2 बॉलों पे और बेहतरीन छक्का पुल किया था इसको, बहुत ही अच्छा छक्का। 3 बॉलों पे अब 13 रन आ चुके हैं, 2 छक्के इनको लग चुके हैं 3 बॉलों पे। अगर 3 बॉलें अच्छी होती हैं तो कुछ बोल सकते हैं। और ये बड़ी कोई अजीब सी चीज़ हुई थी, बैकी का बैट 4 बॉलों पे आ गए हैं 14 रन, 2 बॉलें इनको बचानी पड़ेंगी मुजम्मिल को, यहाँ पे बगैर बाउंड्री करनी पड़ेंगी ताकि हम मैच में आ जाएं। और ये शॉट लग गया और ये भी चौका हो जाएगा, गैप काफ़ी है इस ग्राउंड में, कहाँ कहाँ आप जो है वो फील्डर्स लेंगे। लास्ट बॉल देखते हैं भाई इनके ओवर का, मुजम्मिल के ओवर का, और एक और यहाँ पे छक्का लगा है मुजम्मिल को ग्राउंड से बाहर, ये भी 14 और 4 18 18 और 6 24 49 रन रहते हैं 2 ओवर में। अहमद आए हैं 4th ओवर करने के लिए दोबारा से, क्योंकि अहमद ने अपना पहला ओवर बहुत अच्छा किया था और वाइड बॉल हुआ ये, और 28 रन रह गए अब इस वाइड के बाद। और शॉट लगा है ये, देखते हैं हमाद सेव करते हैं बॉल को या नहीं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहाँ पे हमाद की जानिब से, सिंगल बनाए अहमद यहाँ पे, बैटिंग के साथ साथ अपनी बॉलिंग भी दिखा रहे हैं आपको। 1 बॉल पे 2 रन दिए अहमद ने, 2रा बॉल अहमद का और बहुत ही शानदार छक्का, फुटवर्क पूरा लिया था यहाँ पर उमर भाई ने, और काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, 2 से 3 छक्के लगा चुके हैं अभी तक। 3रा बॉल देखते हैं अहमद का और एक और छक्का, बहुत ही इजी उमर भाई के लिए, पीछे गिरा हुआ बॉल था, स्लो बॉल था, इजीली टाइम किया उसको, लगते हैं ये अच्छा बॉल था अहमद की जानिब से, ये बॉल अच्छा था, बैट नहीं आया उमर भाई का। 4 बॉलों पर 15 रन आ चुके हैं यहाँ पर और पैगी आ गए स्ट्राइक पर, अहमद वहाँ पर थोड़ा सांस लेके बॉल कर रहे हैं, अपना 5वां बॉल करेंगे। 14 रन रहते हैं 8 बॉलों पे और एक और ये क्रॉस कर गया, 6 हुआ है 4 हुआ है 4 है 4 है। वहाँ पर फील्डर से पूछना पड़ेगा, छः दे दिया है फाइनली, 7 बॉलों पे रह गए हैं अब 8 रन और 96 भी आप देख सकते हैं कि किस तरह है, इजीली चेज हो रहा है 5 ओवर में। लास्ट बॉल अहमद के ओवर का और ये 4 है भाई, चल के बहुत ही इजीली यहाँ पे चौका मारा था पैगी ने और मैच भी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है यहाँ पे, सिर्फ 4 रन रहते हैं बल्कि मैच ख़त्म हो गया। पहला मैच हमें लग चुका है और हम अपने बॉलर्स को बोलते हैं लेकिन मुझे कप्तान की टीम के बॉलर्स का लग रहा है चीथा जलवानी पड़ेगी लोगों की यार, 4 रन 4 ओवर में चेज करवा रहे हो यार, पहले ओवर में अहमद रेगुलर नहीं है, अहमद इनसे कम रन की ओवर कर रहा है, तो
व्हाट द हेल यार, मतलब और क्या 120 रन करें, 120 रन करें तो 120 भी चेज हो जाएंगे 5 में ऐसे ही, जिस तरह की हमारे बॉलर की हालत थी ना, वो 120 भी चेज हो जाता। लेट्स सी क्या करें। एंड राउंड छोटा है, ग्राउंड तो छोटा है, बैटिंग बेटा तेरी तो लगेगी, जो तू मस्तियां कर रहा, लेट आ रहा, ऊपर से चेज भी छोटा है कप्तान के, तू गया जानी, और मेन बैट्समैन गया, तू गया भाई, अरे छोड़ दो अभी, बताओ आप ये देख रहे थे शायद पाद आपको ना दिखे, क्योंकि कप्तान इसको बहुत जल्दी बाहर करने वाला, क्यों बाहर करने वाले भाई, किस काम से गया था बता दूं, आपके काम से गया तो गया, मेरे काम से ही था, किस काम से, इसके काम से, तू अपने काम से भिजवा के इसको गालियां पड़वाते हैं बाबू, तेरे जैसा दोस्त नहीं होना चाहिए किसी का। अब देख मैच हार गए, अगला मैच पता नहीं किस टीम से पड़ता है, जीत गए तो आगे, वरना तो जल्दी घर चले आएंगे, घर पे जाके चाय पापा खाएंगे उसके साथ और डबल रोटी। तो ये तुम्हारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फाद की वीडियो आपको अगली वीडियो में मिलेगी, इनकी कैसे चित्रा होती है, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्ड में मैं कर रहा हूँ बॉलिंग पहला हुआ।